अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जाते पाक है जो सब दा खालिक मालिक राजिक है और जिदे कब्जा कुदरत अंदर तुआडी मेरी और सब दी जान है। वहदहु ला शरीक है अपनी जात अंदर अपने इख्तियारात अंदर सारी कायनात अल्लाह पाक दी ही मोहताज है और अल्लाह पाक किसे दे भी मोहताज नहीं। दरूद और सलाम ताजदार मदीना इमामुल अंबिया खदमुर रसूल शफीउल मुज़दबीन खातमुन नबीयीन नबी रहमत लिल आलमीन तुहाडे और मेरे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात ते है। हजरात जिस तरह के तुसी अहबाब इस बात तो वाकिफ हो ज़ुलहज्जा दा बाबरकत महीना उदा आगाज हो चुके है और आज ज़ुलहज दे महीने दी दो तारीख है। अल्लाह पाक ने इन हालात विच क्योंकि कोरोना के पारों पूरे वर्ल्ड अंदर तब्दीलियां ने पूरी दुनिया इस बात तो मुतासर हुई है अल्लाह पाक इस वबा का खात्मा फरमाए महदूद तरीके नल हज उमरे की फरैजी जिसके फर्ज की अदायगी शुरू हो चुकी है। उमरा लोग कर रहे हैं और अठ ज़ुलहज इंशाअल्लाह रहमान लोग हज तमत्तो दा इहराम बन लेंगे और अल्लाह पाक दी याद के अंदर मगन हो जाएंगे। अगरचे इजाजत महदूद है लेकिन एक दीनी शियार है और इस्लाम के पांच अरकान जो एक रुकन है इस वास्ते हज बैतुल्लाह और उमरे का तज़किरा जरूर होना चाहिए ताकि यादा ताजिया रहन। अल्लाह पाक ने जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु जन्नत चो जमीन ते उतारिया है उस वक्त भी ऐन ही उन्हां दी इबादत दी खातर क्योंकि इंसानियत दा दिल लगता है अल्लाह दे घर नाल
जेकर इंसान होवे अल्लाह पाक ने उस वक्त बैतुल्ला नू इबादत गाह करार दिता और हजरे अस्वद नू आसमान तो नाजल फरमाया, जन्नत चो नाजल फरमाया। बैतुल्ला दी बुनियाद हजरते आदम अलैहिस्सलाम ने रखी और हजरते आदम तो बाद इन्हों बुनियादा नू उठान वाले जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम रईसुल मुवाहिदीन ने बैतुल्ला दियां बुनियादां नूं उठाया। हजरात सैयद बुखारी दी रवायत है, नबी पाक ने फरमाया मा मिन नबी इल्ला वराअल गनम वताफा बिहाज़ल बैत। फरमाया हर नबी ने दो काम जरूर कीते, एक ते आका ने इरशाद फरमाया कि हर नबी ने बकरियां चारियां ने, तो दूजे नंबर ते हर नबी ने बैतुल्ला दा तवाफ कीता। अल्लाह दे दर ते हाजरी भी दिती है ते अल्लाह पाक ने मखलूक नू सामण दी जाच भी नबियां नू दसी है कि बकरियां चारो, ते जो बकरियां चारोगे समझ आएगी फिर बंदे भी साम लोगे। इस वास्ते हर नबी ने ये बकरियां चारियां ने और हर नबी ने बैतुल्ला का तवाफ किया है। जरा अजमत से गौर करो कि बैतुल्ला वो मुकाम है जिथे हर नबी ने पैर लगे थे, जिथे सारे नबियों के पैर लगे ने। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, अल्लाह पाक ने फरमाया वाइज बव्वाना ले इब्राहिम मकान अल बैत। फरमाया अल्लाह पाक ने मैं बैतुल्ला फरमाया बैतुल्ला दी जगह जनाब इब्राहिम खलील मालूम करवाई है। ये मेरे इब्राहिम जी ये इराक का इलाका छड़ के ते मक्के ते हिजाज वल चल पवो ते बैतुल्ला दी तमीर करनी है। फरमाया अल्लाह पाक ने वाइल बवाना ले इब्राहिम मकान अल बैत। अल्लाह पाक ने फरमाया जनाब इब्राहिम इस मुकाम ते तशरीफ ले आए ने ते जनाब इब्राहिम की दुआ मंगदे ने। आइए हजरात जनाब इब्राहिम खलील की आंदे ने अल्लाह पाक दे सामने हाथ उठाए ने ते बैतुल्ला दे करीब खड़े ने ते अल्लाह पाक ने की आंदे ने रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बेवादन गैर जी दर इंदा बैठी कल मुहर्रम रब्बना ले युकीम सलावात फाजवाल फहिदा तम मिनन नास तवीलयम वर्जुकुम मिनस समरात लाल्लहुम यश्कुरून। अल्लाह पाक ने फरमाया है, फरमाया जनाब इब्राहिम खलील दुआ मंगदे ने ए मेरे अल्लाह जी मैं घर ले लिया तेरे घर दे कोल इन्नी असकन तो मिन ज़ुर्रियती याद ला मैं अपनी औलाद नू ठहराया है बैतुल्ला दे करीब ठहराया है। मालूम होया औलादा नू मस्जिदां दी जीनत बनाना चाहिदा है, अपने घर मस्जिदां दे करीब बनाने चाहिदे ने। असकन तो मिन ज़ुर्रियती
बेवादिन गैर जी जरियन या अल्लाह इते खेती कोई नहीं, अल्लाह इते हरियाल कोई नहीं है, या अल्लाह गैर जी जरियन इंद बैत कल मुहर्रम, या अल्लाह तेरा हुरमत वाला घर मौजूद है, ए मेरे रब जी मैं इते कर क्यों बनाया है। रब्बाना ले युकीमु सलात, या अल्लाह मैं इते डराया है ताकि नमाजा कैम करन, ताकि नमाजा कैम। रब्बाना ले युकीमु सलात फाजवाल अफ़ीदत मिनन नासे तहवी लियम। आ देखे आ जे हजरत इब्राहिम खलील दुआ मंग रहे ने ते की आंदे ने, या अल्लाह लोकां दे दिल इधर ला दे, मैं सड़के कुर्बान जावां। आ सुनते आन फाजवाल अफ़ीदत मिनन नास, या अल्लाह लोकां दे दिल इधर ला दे, अल्लाह दिलां दी प्रीत इधर कर दे, कायनात दे दिल इधर मैल कर दे, हर दिल दे विच तमन्ना होवे, हर दिल दे विच आरज़ू होवे कि कदों मौका आए मैं बैतुल्लाह वल जावां। फाजवाल अफ़ीदत मिनन नास तहवी लियम वरज़ुकुम मिन समरात, या अल्लाह इन्हां नूं फलां जो रिज़्क भी दे, ए मेरे रब जी लअल्लहुम यशकुरून। फरमाया ताकि तेरे शुक्र गुजार बंदे बन जान। मेरे भाई जान, जनाबे इब्राहिम खलील बैतुल्ला दी तमीर हो गई है जी। अल्लाह पाक ने फरमाया खलील हज का ऐलान कर दियो, हज का देखो ना उथे को रहने वाला ना कोई वसन वाला सिवाय अपने घर तो। वो बेआबो गया इलाका है सहरा है खुशक पहाड़ ने, कोई बंदा बशर नहीं दिसदा सवाए खानवादा इब्राहिम खलील तो। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे इब्राहिम जी वाज़िन फिन्नास बिल हज, मैं अर्ज की थी पता नहीं तुम झाका आंदा इतने कहाँ गया, इतने कई बंदे पीछे पीछे बहते जाएंगे राह बंद करते जाएंगे राह ना बंद अगे अगे आज आज तुम मैं मौलवी कुछ नहीं आता तुम इंशाअल्लाह कुरान ही मेरे मुंह निकलता कोई अग नहीं निकलती भाई आज मेरे को नार्द करना जाना आई है वाजन फिन्ना से बेलों अज्जे यादों कर जालन वाला कुल जामी यादीन में कुल फज्जन अमी। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरे इब्राहिम खलील जी एलाने हज कर दियो, जनाबे इब्राहिम पहाड़ ते जबले अबू कुबैस से खड़े ने हज का ऐलान करते ने, वाज़िन फिन्नास बिल अज्जे, बाद लोग आंदे ने उस मौके ते रूहां ने जवाब दिता है, जड़ी जड़ी रूह ने जवाब दिता है उस रूह ने हज करना है। मेरे भाई जान रवैत ज़ईफ है, इस रवैत का सबूत कोई नहीं। आइए मैं अर्ज करना चाहना वा अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे खलील हज का ऐलान कर दियो, जनाबे खलील ने हज का ऐलान किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया ए इब्राहिम खलील तुहाडा काम है ऐलाने हज करना और मेरा काम है अपनी मखलूक नु इधर चला दे। फरमाया याती न मिन कुल फज्जन अमीक, अल्लाह पाक ने फरमाया ए इब्राहिम जी दुनिया इस बैतुल्लाह वल पैदल भी आएगी सवारियां ते बह के भी आएगी है, ए इब्राहिम खलील जी दुनिया बड़ी बड़ी दूरों आएगी सवारियां चल चल के थक जानगियां लागर हो जानगियां, ए बड़ियां डूंगियां थावां तो दुनिया आएगी
इधर दुनिया चल पेगी यादी न बिलकुल फजन वमी इब्राहिम खलील जी तेरा काम है अजान करना एलाने हज करना ओए हर गुठो बंदे करना मेरा काम है यादी न बिलकुल फजन वमी और किसे मस्जिद रौनक बहुत ही हो ना तो मौलवी मान ना करे मेरा कमाल है ये कमाल अल्लाह पाक दा हुंदा है आज या कई मौलवी ना जी चार बंदे वध जाने मौलवी दे जमीन दे पैर लगदे और दोस्तों सुन लो और रब्बी अकबर दी कसम है बड़िया बड़िया सोनिया वाला वाले पैर रोलदे ने अल्लाह पाक ये रब दे घर ने रब ने आबाद करने ने मैं अर्ज करना चाहना आइए अल्लाह पाक ने फरमाया खलील दुनिया बड़ी बड़ी दूरों आएगी है और सुनना मैं अर्ज करना चाहना वा हर दिल दी आरज़ू है क्यों जी तड़ा दिल करता है इरा जरा दिल करता हर चुको बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह है जी सारियां दा दिल करता है हर एक का दिल करता है वे कितों कितों दुनिया चल रही है दो चादर रही ने ते मेरा एक बाबा भी बड़ी मौज आंदा है रब्बा मुद्दत गुजरी सिख दया नू हुण जोगी सांग बनान नू जी करदा तेरे घर दे दवाले नस नस के फेरियां पान नू जी करदा तेरा दर वेखा तेरा घर वेखा तेरे दर विच रख रख के सर वेखा और जिते एक नमाज दी है लख बनदी ओते उमरा लगा जी करदा कई पाप कमा बैठा मैं हज करके शर्मिंदा वा मंदड़े चज करके हुण पल्ला चुक के काबे दे वेख लिया हुण पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगान जी करदा या अल्लाह अपने बंदियां नूं मक्का भी दिखा दे ते मदीना भी दिखा दे मेरे भाई जान ए अल्लाह पाक दियां दीदियां तवीकां हुंदियां ने बड़े बड़े रुपइयां वाले वह हज ते नहीं जांदे ते बड़े बड़े दरवेज हज ते पहुंच जांदे ने जिन्हों अल्लाह पाक ने तवीक दीती है आइए सुनिए इजमाए उम्मत इस बात ते अल मुगनी इब्ने कुदामा अंदर ये बात मौजूद है कि तमाम उम्मत दा इस बात ते इजमा है कि जिस बंदे नूं माली तौर ते इस्तताअत जिस्मानी तौर ते इस्तताअत उस बंदे उत्ते फिल फौर हज करना फर्ज है आ कई लमका छड़दे ने कर लेंगे बुढ़े हो गए तुझे पता तो बुढ़े होना है ओ पता बुढ़े होना है अरे मेरे जी ने नमाज भी बुढ़िया होकर पढ़ लिया जी रोजे भी बुढ़िया होकर रख लिया जी भाई जान फिर फौर फर्ज है जिन्नू माली ताकत है जिंदगी जे एक कबरा होते थे हज फर्ज है याद रखिया जे अल्लाह पाक दी कसम है अगर ताकत है ते हज नहीं किया बगैर हज करन तो मर गया ते गुनाहगार मरेगा मैं इस वास्ते गल करना किते गल रह ना जाए किते तुस पाड़े तो ये बात मख्फी ना रह जाए मैं अर्ज करना चाहना आइए मैं सदके कुर्बान जावा अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है अल्लाह पाक ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा फइन्नल्लाहा गनीयुन अनिल आलमीन अल्लाह पाक ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत अल्लाह पाक ने फरमाया मैं अपने बंदियां ते जिम्मेदारी लाई है मेरी खातर मेरे बैतुल्लाह वाले आ जाओ हिज्जुल बैत मेरे बैतुल्लाह दा कसद करो बैतुल्लाह दा हज करो वमन
کفر اللہ پاک نے فرمایا من استطاع الی سبیلا فرمایا جنوں طاقت ہے استطاعت استطاعت وچوں ہے فرمایا من استطاع الی سبیلا فرمایا جنوں طاقت ہے جدے کول وسائل پورے نے اللہ دولتاں بڑیاں دتیاں نے آ کوئی گل نہیں کڑیاں منڈے ویاہ لیے پھر اج کر لاں گے دس ہے کوئی گل کرنا دی اللہ دے گا تینوں بڑا کچھ نہیں چھڑ جو روپیے جو ہیں کول نکلن دی کر او تیاری کر اللہ پاک توفیق دے جدو مالی طور تے ہوئے تیرے کول تیاری تے کر دے رب دی لاد نارا مار دے اللہ پاک نے فرمایا ومن کفر فإن الله غني عن العالمين فرمایا جڑا حج دا انکار کردا رب نو اے وجہ بندے دی پرواہ ہی کوئی نہیں ا کئی ایتھے خرچ کرنے نہیں کسے غریب نو دے چھڑ او غریب نو بھی دیو پر اللہ بھی جاندا میرے ڈیرے تے حاضری دیو کیوں بھائی اور رب بھی تے جاندا نا میرے ڈیرے تے حاضری دے آکام الحاکمین کون ہے اللہ گد کے بولو مالک الملک کون ہے ایک پنڈ دا چودھری ہے اللہ پاک ساریاں دیاں چدراواں قائم رکھے میں تے چوری دے خلاف کوئی نہیں میاں ہاں جی اور ڈیرے تے بندہ جڑا نہ آئے تے کی آندا اس بندے دے دل چ کوئی گل ہے تے جڑا آکام الحاکمین دے ڈیرے تے نہ جائے اللہ پاک فرماندے نے میں آکام الحاکمین میں متکبر ہاں وانا کوئی متکبر نہیں میں ہاں ہاں جو نہ میرے ڈیرے تے آ جا کیوں بھائی انشاءاللہ جانا ڈیرے تے تھوڑا پروگرام کو نہیں گوڈے پھڑ کے بیٹھے گوڈے چھڈو پرواز ہوئے تھوڑی ہاں جی کہ نیند چ پرواز کرنی ہے انہیں کیا مولوی نے جس نے مدینے جانا اکھیں بند کر لیا سارے اکھا بند کر لیا کراچی انہیں کیا باپ کراچی ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں مدینے بیٹھے آپ باپ جدہ شریف پہنچ چکے ہیں آبا مکہ شریف پہنچ چکے ہیں اوتھے بہ کے مسیتے روئی رہے ہوں دسو بدھو قوم میں حیران ہاں مولوی کے چکراں تو وہ بندہ پوچھے بھی تو اکھا میٹ کے بندہ میں اوتھے پہنچا دے یہ کہندا میرا پیر بڑا حال ہے اے وچوں وچ ہون دے مولوی منظور ہے نا پیر نہ آیا نیولا ہویا جڑا وچوں وچ ہی ہوندا خدا دی قسم میں کوئی ہے گل کرن والی کوئی آتا میرا پیر ہے جہاں پیر ہے وہ کن سے بیٹھا کن پجا کے لے گیا دس ہزار وہ چھڑ دیو گلا کوئی آتا کعبہ میرے پیر کا طواف کرنا ہوں ہائے میں عرض کرنا چاہنا سارے نبی بیت اللہ کا طواف کرنے واسطے مکے جان بخاری شریف ہے نبی پاک نے فرمایا ہے ہر نبی نے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے کیوں بھی ہر نبی کتے گیا ہے بیت اللہ تے کئیاں واسطے کعبہ او تو چل کے آنو آئندہ ہے اللہ آقا نے فرمایا ہے نبی پاک نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب فرمایا لوگو حج عمرے بہتے کریا کرو اے بھی گل جی آ کئی بندے ڈردے نے روپیے نہ مک جان وہ بارہ دے انہیں لاڑیاں عرشاں والے برکتاں کون پاؤندا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ پاک نے فرمایا رزق دی تنگی بھی میں کرنا ہوں
ਕਿ ਰਜ਼ਕ ਦੀ ਫਰਾਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਈਏ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਛੱਡਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇਊ ਬੈਨਲ ਹੱਜ ਵਲ ਉਮਰਾ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਜ ਉਮਰੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੱਜ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੱਜ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੈਰੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਹੱਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਰਾਮ ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਸਿਹਾਬਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਬੂਬਾ ਉਹਨੇ ਇਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਭਈ ਕੱਲਾ ਲੱਭਈ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਗ ਲਬੈਕ ਇਨਲ ਹਮਦ ਵਨ ਨਿਮਤ ਲਗ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਗ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਗ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਗ ਲਬੈਕ 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 ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ, ਓਏ ਆਕਾ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਲੱਭਈਕ ਲੱਭਈਕ। ਵਾਦੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਬਰੀਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਅਈਰ ਫੌਲ ਇਹਲਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਲੱਭਈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਭਈਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ ਪੜਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਪੜ ਜੱਟਾ ਦੇ ਡਲ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਪੜ ਪੜਾ ਲੱਭਈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਭਈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਗ ਲੱਭਈਕ ਇਨਲ ਹਮਦ ਵਨ ਨਿਮਤ ਲਗ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਗ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਯਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਈਏ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਗ ਇਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਤ
मलक या अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं पर वो तेरे शरीक ने जेड़े तेरे बनाए हुए ने या अल्लाह जिन्हां नूं इख्तियार दित्ते नहीं किसे नूं मुंडे देण दा इख्तियार दित्ता ई किसे नूं बारिशां पाउण दा इख्तियार दित्ता ई कोई नेरी छावे को फलानी छावे मैं अर्ज करना चाहना ओ मेरे नबी पाक ने ते मेरे पैगंबर दे सहाबा ने किया गया है ला शरीक लग अगे सदाब लग गया है फरमाया कोई शरीक नहीं बोलो कोई शरीक नहीं हाय कोई रब ने किसे नु इख्तियार नहीं दिता है फलाने बारिश पौनी है फलाने नेरी लियानी है फलाने पुत्र देने ने फलाने तियां देनियां ने तोता बैठा बोले बेरी ते उची कहो सुभान अल्लाह तोता बैठा बोले बेरी ते मई क्यों जानी है टेरी ते अल्लाह को मांग आ गई माइया बोले वक्त में पईयां ने ढेरिया तुरिया फिर दिया ने ये ढेरिया के वस की गल नहीं ढेरिया वाले वस की गल पुत्र देने हो नबी जकरिया अलैहि सलाम बगैर औलाद तो बुढ़े ना हो जाते हा हा मैं अर्ज कर रहा सुनाई है लबैक लबैक जाना ही अज करने वास्ते उमरा करने वास्ते दो चादर बननिया ने एक तेड़ बननी एक उत्ते लैनी है एक धोती बननी एक उत्ते लैनी है ते मेरे भाई जान फिर लबैक दी सदा बुलंद करनी है कोई उची नीवी थां आए बैतुल्ला दे सामने जान तक लबैक लबैक दियां दुआइयां देनियां ने लबैक अल्लाहुम्मा लबैक जिन्ना उची बनेगा रब ओना राजी होएगा मैं कुर्बान जावा गल कर रहा सा सियाबार करदे ने महबूब जी आ फलाने कबीले दा बंदा है ये महबूबा राम बनिया सी लबैक लबैक पड़दा पड़दा सोनिया सवारी तो डिगया है मनका टुट गया ते बंदा फौत हो गया है आका ने फरमाया इनसे लू अबे माए मसे फरमाया बेरी दे पत्ते पानी च पा के ते पानी नू जोश दे के ते पानी नू फरमाया निगियां करके ते इस बंदे नू गुसल दे दियो ते फरमाया मेरे ओ मेरे से आपा सुन लो आम मजदां दे सिर कजी दे ने आम मजदां नू खुशबू लाई दी है फरमाया वाला तमसू बतीवे फरमाया एदा सिर ना कजे आ जाए इनू खुशबू ना लाया जाए फरमाया इस वास्ते कि हाजी जो हाल ते राम जे हुंदा है ए राम बनन तो बाद ओनू खुशबू लानी जायज नहीं ओनू सिर गजना जायज नहीं ए फरमाया हाजी है एदा सफर जारी है फइन्नहु युबास यौमल कियामत मुलबियन फरमाया कियामत नु कब्र चो उठेगा लबैक लबैक पर्दा उठेगा फरमाया लबैक लबैक पर्दा उठेगा मैं अर्ज करना चाहना ओ इंज दी मौत आए होर चाहिदा की है लबैक अल्लाहुम्मा लबैक अल्लाह 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 में हाजिर अल्लाह में हाजिर अल्लाहु अकबर बैतुल्लाह दा तवाफ करना है के सब तो पहले रुकने यमानी अपना रुक बैतुल्लाह दा तवाब करना ते सब तो पहले हजरे असवद बोसा ले आ जाए ते बोसा लेना ना बोसा ले आ जाए ते हाथ ला के पेन ला के भावे मोबाइल ला के चुम लेना मोबाइल क्यों मुड़े हाँ ते जे ना ये टच होए उहदे नाल हजरे असवद नाल ते फिर दूरों इशारा करके
पढ़ना की है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ते फिर जनाबे अली जो जो वजीफे याद ने पढ़ते जाना है, ये लाजमी कोई नहीं गया दुआ तो फला दुआ औखे काम च ना पिया जी। आहो एवें खाम खा किताबा चकाइया ने लोगों बुढ़िया मदिया मौलविया ने, क्या पहले चक्कर की दुआ तो दूजे चक्कर की तीजे। खुदा पाक की कसम है मैं मिंबर से बैठा जी, नबी पाक ने कोई दुआ मुकर्र नहीं की, एवें दीन औखा किया, दीन तो आसान ही बड़ा है भाई, इन्ना पढ़ना बिस्मिल्लाह ही अल्लाह तो चल पैना तुहाडे खब्बे हाथ बैतुल्ला होएगा, तवाफ करते जाओ। जो रुकने यमानी आएगा, रुकने यमानी की है ये हजरे वसवत तो पहली नुक्कर आउंदी है, जो इस नुक्कर ते पहुंचना है ते इत्थे आका ने पढ़िया रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसनतं वकिना अज़ाबन्नार। जो नबी पाक पढ़िया पढ़ो तो नबी पाक महसूस नहीं किया, आम इज़कार करो ला इलाहा पढ़ते जाओ, जो आसान है पढ़ते जाओ। ये सत चक्कर बैतुल्ला दे लवाने लगाने ने, नबी पाक ने फरमाया है, फरमाया जेड़ा बंदा बैतुल्ला दे सत चक्कर लगांदा है, आका फरमांदे ने फिर बंदा मुकाम इब्राहिम दे दो नफल पढ़दा है। आइए सुनिए ध्यान नाल, मुकाम इब्राहिम दे दो नफल पढ़ के जेड़ी मर्जी दुआ मंग अल्लाह पाक कबूल फरमांदे ने, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस मुकाम ते मुकाम इब्राहिम दे दो नफल पढ़दा सत चक्कर लगा के, नबी पाक ने इरशाद फरमाया है, फरमाया इंज समझो कि जिवे मेरी आल जो को बंदा गुलाम होवे ओनू आजाद करन दा जिन्ना सवाब मिलता है, फरमाया ओना सवाब उस बंदे नू मिलता है। अल्लाह पाक बेतहाशा ओनू अजर अता फरमांदे। नबी पाक ने फरमाया जरा सफा मरवा दी साई करता है, सफा पहाड़ी तो शुरू होना है मरवा ते, फिर मरवा तो सफा ते, इन्ना भी ख्याल रखे कई चक्कर 14 ला पे किन्ने चक्कर 14 सात ने मतलब थक जाओ। हाँ जी इतों शुरू होना सफा तो मरवा तक एक, मरवा ते जाके फिर सफा वाल आना ये दूजा हो गया, सफा तो फिर मरवा ते जाना तीजा हो गया। हाँ जी इसका इतों फिर वापस उधर जाना सफा ते चौथा हो गया, इंज करके सत करने जे ये ना 14 कई 14 किते भी ने। मैनू फोन भी आया एक बुजुर्ग मैंने फोन किया, पुत्रा मैं तो जो भी आया मैं 14 ही किते, मैं क्या चाचा जी नहीं इतने मैं क्या सत करने ने। नबी पाक ने फरमाया तर अल्लाह पाक 70 गुलाम आजाद करवान दा सवाब देंदा है, अल्लाह पाक दियां माफियां देंदा है। नबी पाक ने फरमाया मन हज्जल बैत अवे तमरा वलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौम वला ततू। जेड़ा बंदा हज उमरा करदा है ते हज उमरे दे दौरान फरमाया बदगोई नहीं करदा, बकवास नहीं करदा, गीबता नहीं करदा, झूठ नहीं बोलदा, अल्लाह पाक दी ना फरमानी ते बेहूदगी नहीं करता, किसी नाल झगड़ता नहीं। नबी पाक ने फरमाया वो बंदा है जो हो जाता है जिवें अज अपनी मां दे पेट चो दुनिया ते आया है बिल्कुल बेगुनाह हो जाता है। अल्लाह पाक सारे नु माफ कर दे, कोई मामूली बात तो नहीं ना जी, कि अल्लाह पाक सब माफी दे दे। फिर मेरे भाई जान हजामत बनवानी है, हजामत बनवा के उमरा पूरा हो गया है, बोलो उमरा पूरा हो गया, पाबंदियां सारियां खत्म हो गई,
हूँ हाजी साहब ने 8 किलो हज का दिन मक्के होटल च ठहरे हुए ने 8 किलो हज हज तो अपना जुल हज जानी ईदों 2 दिन पहले 8 किलो हज आराम बनना है अपने कमरे बिचों गुसल करके आराम बन गए ते पढ़ देना है अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन ये उमरा उमरे का आराम बनना उदो पढ़ना मैं भूल गया अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन ये याद रखिया जे अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन पढ़ना जो हज का आराम बनना उदो फिर ये हज का आराम उथे जाके बनी दा ये याद रखिया जे अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन या अल्लाह मैं हज वास्ते हाजिर हां हुन फिर वही नगमा शुरू कर देना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हाजिर 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 क्यों भाई एक बंदे ने बड़ी प्यारी गल की थी हज करके आया मैं मिल गया आंदा मैनू आंदा आवो जी गल है आंदा वेखो ना जो बंदा बार बार झुकी जाए अल्लाह मैं हाजिर अल्लाह मैं हाजिर अल्लाह मैं हाजिर अल्लाह मैं हाजिर 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 करदा ही फिरे करदा ही फिरे आखिर उन्हें कहना ही ना जा मैं तेनों माफ किया क्यों गल तो गवेड़ दी है ना क्यों भाई भाई जो कई आना है या अल्लाह मैं हाजिर 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 कई आना है आंदा उन्हें भी वो भी रहमत रहमत वाला है वह गफूर राई उन्हें भी कहना जा मैं तेन माफ किया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मिनाज जाके ये जनाब हाजी साहब ने जोर भी कसर पढ़नी है असर भी कसर पढ़नी है ते जनाबे आली मगरब दी रकातां 3 पढ़नियां ने इशा दी रकातां 2 कसर पढ़नी है आइए मेरे भाई जान रात इत्थे गुजारनी है रात गुजार के सवेरे नमाज फजर दी पढ़ के ते जनाबे आली दिन तुलूं में आई इत्थों चल पैना है अरफात वल चल पैना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह की कसम मैं चस्का बड़ा आ हाय हाय 2 साल हो गए मैं नहीं गया मैनू भी ना बड़ा काम खराब है कोशिश बड़ी की थी दाल लग जाए पर लगा नहीं अल्लाह पाक तौफीक दे सारिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मैं अर्ज करना चाहना ये मेरे भाई जान ये चल पे ने अरफात वल अरफात च पहुंच गए ने अरफात च जोर ते असर दी नमाज कसर पढ़नी है जमा कर लेनी है सारा दिन दुआवां मंगदे रहना है ये कबूलियत वाली जगह है इत्थे अल्लाह पाक हदीस पाक च आउंदा है रब किसे मुकाम ते किसे दिन इन्ने बंदे जहन्नम तो आजाद नहीं करता जिन्हें बहुते बंदे रब इत्थे जहन्नम तो आजाद कर छड़दा छट्टा ही दे छड़दा रब है माफिया दे छड़दा है नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक फरिश्तियां नु मुखातब कर दे ने जागदे पे ना माशाल्लाह हवा ठंडी है नींद आउंदी है ना मैं ता के ना गर्मी होए तो हवा ठंडी होए तो फिर नींद आउंदी नहीं जागो जरा माशाल्लाह जरा कहो अल्लाह अकबर ये सौन नहीं देना है जी मैं अर्ज करना चाहना अरफात दे मैदान च पहुंच जाते ने हजूर ने फरमाया अल्लाह पाक फरिश्तिया मुखातब करके आते ने ये मेरे ओ फरिश्ते हो मेरिया बंदियां वाल वेखो फौज दर फौज आ रहे ने काफले दर काफले आ रहे ने टोलियां दी शक्ल च आ रहे ने आ फरमाया इना जहान तुर आ रहा है जाऊ शो सन खुबरन फरमाया इन्हां नूं वेखो इन्हां दे कपड़े फरमाया आ जिहड़ियां 2 चादरां चिटियां लईयां ने घटा पै पै के मैलियां हो गईयां ने आ बड़े शहजादे बंदे ने बड़े टौरी बंदे ने
बड़िया सफाइया च रहन वाले ने, पर अज वेखो इन्हों के कट्टे पे ने, फरमाया इन्हों के वाल भरा गंदा होए ने, मिट्टी घटा उड़ता पिया है, मेरे बंदे तुरे आंदे पे ने, जाऊ नी है शोसन गुबर। अल्लाह पाक फरमांदे ने फरिश्ते नूरी ओ गवार आ जाए, इन्हां दे गुनाह पावे समुंदर दी चक जिन्ने होण। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया समुंदर दी चक जिन्ने होण, फरमाया दरख्तां दे पत्तियां जिन्ने होण, रेतियां जर्रियां जिन्ने होण, अतने अल्फाज कज़ब दिल बर औ का कतर मदर औ का वरक शजर। आका फरमांदे ने जिन्ने मर्जी होन, अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं फरमांदे ने गवार आ जे, मैं सारे ही माफ कर दिते ने। यार जून रहमती ये मेरिया रामत दिया उम्मीद लेके आए ने, मैं इन्होंने अपनी रामत के साए थले लै लिया है। सुभान अल्लाह। ये तो हाजी साहब फिर निकलते ने मोहतरम, फिर जाते ने मगरब दे इशा दी नमाज जाके मुजदलफे पढ़नी है, मुजदलफे भी पढ़ते जाना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मके मिना आए लब्बैक लब्बैक, मिना तो अरफात गए लब्बैक लब्बैक, अरफात तो मुजदलफे गए लब्बैक लब्बैक। हर दिन चढ़िया ते मुजदलफे निकले ते जनाब मिना टुर पे ते फिर पढ़ते जा रहे ने लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर पढ़ते जाना। जो जमरा अकबा होना ना वड्डा शैतान जी आंदे हो, उत्थे जाके फिर तलबिया बंद करना, फिर ओरी सेवा करनी, समझ लो सेवा किनिया मारनिया ने, सत बोलो किनिया मारनिया, सत गेंगरिया मारनिया ने। शिवपुर के चौरी साहब गए, हाँ चौरिया ने रब दैद, उन्हें कहा जाने शैतान न गेंगरी फड़कों, ने कहा जानी तेरे ना सारी उम्र नहीं बिगाड़ी, पर उन्हें कहा अज मैं मजबूर हाँ रुपये ला बैठा हूँ, मैं तेन मारनिया ने पर पोरिया पोरिया है जी। उन्हें क्या मैं आख्या भी मैं तेन पोरिया पोरिया मारना, यह खा ला मेरे को जनाब सत कैंकरिया। ये माइया ना उत धोदिया फिर कैंकरिया आ मुजर, फिर बंदा पूछे मिलनिया शैतान उन्हें धोन की लौड़ का दी, ये कि नहीं आता भी धोते फिरो, बस ठीक है कैंकरिया फड़ो सत तो संभाल लवो, सुट दियो उत एक एक करके, दायरा बनया दायरे के बच्चे कैंकरी पहुंच जाए तो समझो बज गई कैंकरी लग गई। बहरहाल ये जो सत कैंकरिया मारदा है, नबी पाक ने फरमाया है, फरमाया हर कैंकरी के बदले अंदर अल्लाह पाक कबीरा गुनाह माफ कर देंदे ने। छटा ही रहमत आंदा, गल याद रखिया जे सच्ची गल यही है। वह आंदा मैं चाहवा तो सवाए शिरक तो मैं हर शायद तो छटा, हाँ जी तो जो बंदा शिरक तो माफी मांग ले तो बंदा जनती है सीधा निशा भाई, अल्लाह बचाए शिरक तो। अर्ज करना चाहना नबी पाक ने फरमाया हर कैंकरी के बदले अंदर अल्लाह पाक कबीरा गुनाह माफ करते ने। कबीरा गुनाह केड़े ने? जादू करना कबीरा गुनाह है, किसी से तुमत लगाना गुनाह भी कबीरा गुनाह है, तुमत लगाना कज़फुल मुहसनात। मेरे भाई जान झूठी कदम चुकना कबीरा गुनाह है, अल्लाह पाक इंज दे पाप भी उत्थे माफ करता है। अल्लाह पाक दे सोने हबीब ने फरमाया तकबीर और कबीरा ते मिनल मुंह बेकात, और जड़े गुनाह इंसान डबो छड़दे ने जहन्नम दे विच अल्लाह पाक गुनाह भी माफ कर देंदे ने उत्थे। इस तो बाद कैंकरियां मारन तो बाद मेरे भाई जान
कुर्बानी करनी है। हजूर ने फरमाया अल्लाह पाक ये दस हज चार काम हाजियां करने ने, तुसा इतने ईद मनाते होना है तो हाजियां ने चार काम करने, पहले नंबर से सदकें करियां मारियां, दूसरे नंबर से उन्होंने कुर्बानी करनी। हजूर ने फरमाया कुर्बानी की थी अल्लाह पाक दे हां जखीरा बन जाती है। कुर्बानी करने तो बाद फिर फरमाया हजामत बनवानी है, सारे सिर दे वाल ये मनवाने ने या कटवाने ने। आ कईयां दी पफ जिहड़ी ना पफ नहीं छड़दे, अल्लाह जानदा मक्के जाके पफ नहीं हिलदी, ऐवें माड़े माड़े इधरों कटा इंज सिर मार ढगा सिर मारदा है। बंदा पूछे पफ तेरी कितों आई है, हाँ जी इन इतने तो मुन लै फड़ के यारो उत्थे जाके ते कुछ अपने भार हौले कर लो। नबी पाक ने फरमाया है हर वाल दे बदले अंदर एक गुनाह माफ हुंदा ते अगर नेकी लिखी जांदी है। ये तीन काम हो गए, किन्ने हो गए, इन्हां तिना कामां च अग्गा पिछा हो जांदा भुलेखा हो जांदा। उस दिन नबी पाक तशरीफ फरमा सन मीना च, ते बंदे अगो आया हजूर मैं कुर्बानी पहलों कर बैठा ते कैंकरियां मैं बाद चो मारियां ने। फरमाया ला हरज वला हरज, एक सोने पहलों जामद करवा बैठा बाद चो कुर्बानी। फरमाया ला हरज वला हरज, कोई हर्ज नहीं कोई हर्ज। तरतीब इंजी है पर जे कोई भुल गया ते फिर माफी बोलो, फिर ध्यान ना दें जिसे मौलवी को बजा जरा बकरे पाए उसे आ गई, बकरे पाते ने उत्थे भी इतने भी बकरे पाते ने, बड़ा तलाका तेन दे पवे ना तो आने तेन बकरा पै गया की पै गया तेनू पवे, हाँ हाँ तू गरीब आदमी बकरा पाने है तेनू बकरा पै गया। मेरे को बंदे अल्लाह की कसम बड़े आते हैं, मैं मिंबर से बैठा और जी तलाका तेन दे बैठा गुस्से च, मैं कभी लाड़ ने भी तलाक दी है ये गुस्से ना ही आती है। हाँ जी तलाक तेन दे बैठे हाँ ते फलानी थान गए सामने मौलवी साहब ने कहा भी तेनों बकरा पैंता, मैं बकरा बुकरा कौन नहीं पैंता, वो गल नहीं है कि दीतियाँ कि नहीं कि बार दीतियाँ नहीं क्यों जी, जे तो तलाक तिने तीन दीतियाँ ने इको टाइम तो मेरे भाई जान तलाक इको ही है। पैगंबर ने फरमाया फर जे हाज निशेत, अपने सिहाबी ने कहा जाके सुलह कर लै ये इको ही है फाइन नामा तिल कवाहेद, बहरहाल बात दूर ना निकल जाए। तीन कम इस तो बाद चौथा कम तवाफे इफाजा है, बैतुल्ला का तवाफ करना है। मेरे भाई जान हुण तुहाडे ते सारियां जनाबे वाली पाबंदियां खत्म, बोलो सारियां पाबंदियां जिहड़ियां पाबंदियां लगियां खत्म। हजरात उस तो बाद दो दिन उत्थे रहना मीना विच, दोवें दिन कैंकरियां मारनियां ने तिना शैताना नूं सतू ते आ इक्की सत सत। बहरहाल इस तो बाद हाजी मदीने आउंदे ने, आ कई सानू आंदे ने भाभी मदीने नहीं जांदे, क्या भाई क्यों भी मदीने तुसीं नहीं जांदे, बोलो यार मैं पढ़िया ही मदीने आ, मैं पाँच साल मदीने रहा यार किवें नहीं गल आंदे। प्रोफेसर साजिद मीर साहब साड़ी जमात के सरबराह ने अमीर ने उदे सऊदीया बैठे थे, कहन लगे भी बंदे गल कह छड़दे ने, आखन लगे मैं बेशुमार दफा सऊदी आया पर एक बारा भी इंज नहीं होया कि मैं सऊदीया आया वहां, पर मैं एक दिन वास्ते दो दिन वास्ते आया वहां, मैं मदीने ना आया वहां, मदीने में जरूर और भाई जान मदीना हज का रुकन नहीं पर पैगंबर का शहर है, पैगंबर का शहर है, शहर में प्यार है क्योंकि नबी पाक ने प्यार किया है। महबूबे खुदा दियां गलियां दे विच जिस वक्त रसाइयां होंदियां ने
महबूबे खुदा दियां और गलियां दे विच जिस वक्त रसाइयां हुंदियां ने हर पापी दिल दियां तो के क्या खूब सफाइयां हुंदियां ने और जदों कंधा दिसन मदीने दियां तया थर दियां ने सीने दियां दिलों हसद ते बुगज़ा ते कीने दियां वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने और कंधा दिसन जदों मदीने दियां तया थर दियां ने सीने दियां दिलों हसद ते बुगज़ा ते कीने दियां वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने और जदों रोज़ाया तर वल किसी किसी होर ने भी देने होने कोई गल नहीं दे दौ मैं मुसीबत में दे देंगा हाँ जो रोजायत हर वल नजर पवे बेनूर अखां नजर पवे दिल बेसबरे सबर पवे एकदम रोशनाइयां होंदियां ने हाथ अड अड आए हाए हाथ अड अड पवां कमीना मैं मंगा रब को शहर मदीना मैं वेखा फिर समसाम दियां किस दिन मंजूर दुआवां होंदियां ने बाबा भी अजीब सी जे मदीने गया तो उत्थे मोती रोल गया ते जे मक्के गया ते बैतला दा तवाफ कर लिया तवाफे विदा कर लिया पाकिस्तान आन लग्या बाबा समान अपना होटल च बन बुन के रखा है ते आ गया तवाफे विदा करन वास्ते ते काबे दा गलाब फड़ के रो पिया तवाफ कर लेने रजिया कोई नहीं रजिया रब्बा शायद मैं तो आया नहीं जाना यार उची कहो समान रब्बा शायद मैं तो आया नहीं जाना बुढ़ा बदन होया कमाया नहीं जाना जहाजां दा खर्चा बनाया नहीं जाना पर छिंदा दिल भी मैं तो मनाया नहीं जाना तू आपे दे उते एहसान कर दे ये मक्के रहन दा इंतजाम कर दे सऊदी हकूमत नू जारी फरमान कर दे इनू ना कड्डो इस तो जाया नहीं जाना अल्लाह पाक मक्का दिखाए मदीना दिखाए माशाल्लाह अल्लाह पाक बरकतां फरमाए।